माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन थ्योरम है कि लेट के बी ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ। एक बात, एल इज एन इंटरमीडिएट फील्ड सो दैट एफ से बड़ा एल, एल से बड़ी के, तो हमें शो करना है देन K is also normal extension of L. Okay? थोड़ा example से इस बात को भी हम study कर सकते हैं। Example से study क्या हो सकती है वो भी देखिए। यदि हम F को Q मान लें, F को Q मान लें और L हम ये फील्ड ले लेते हैं और K हमने ये फील्ड ली, ठीक है बेटा। अब इसका इफेक्ट क्या है, इस इफेक्ट की बात मैं करने जा रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर K इज फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, के इज फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है। क्यों हमने इसके बीच में एक इंटरमीडिएट फील्ड ली है, ओके। और एक और बता दूं आपको कि एल ओवर क्यू, एल ओवर एफ नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं है, बट ये थ्योरम क्या कहती है कि के ओवर एल क्या बन जाएगी, नॉर्मल एक्सटेंशन बन जाएगी, ये हमें प्रूव करना है, ओके। देखिए अब कैसे प्रूव करेंगे, ये इस क्वेश्चन की भूमिका थी। गिवन है के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, एक बात, एंड एल इज ए फील्ड सच दैट एल से एफ से बड़ा एल, एल से बड़ा के। नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूव करना है, के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एल, ओके। इस चीज का एक्चुअली मतलब क्या है, इसका मतलब भी लिखते हैं, वी एक्चुअली शो दैट कि के इज स्प्लिटिंग फील्ड, किसकी, एक मिनिमम पॉलीनोमियल बनेगी ऑफ एवरी एलिमेंट के ओवर एल। हमें शो क्या करना है, के है सबलिटिंग फील्ड बनेगी, एक मिनिमल पॉलीनोमियल फॉर एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के मिनिमल पॉलीनोमियल बनाते हैं के ओवर एल, ठीक है, के ओवर एल। और ये एल किस में कंटेंड है, के में कंटेंड है। लेट अल्फा बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अल्फा बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इस अल्फा की मिनिमम पॉलीनोमियल एफ एक्स बनी ओवर एफ, मिनिमल पॉलीनोमियल जी एक्स बनी ओवर एल, ये ओवर एफ है और ये ओवर एल है। ध्यान से देखें
तो इस एफ एक्स के सारे ये एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगी, इसके सारे एलिमेंट एफ में होंगे। एफ से बड़ी फील्ड का नाम एल है, तो एफ एक्स को हम एल एक्स में भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अल्फा एक ऐसा एलिमेंट है जो एफ एक्स को सेटिस्फाई करता है व्हेन एफ एक्स इज एल, और अल्फा जी एक्स को भी सेटिस्फाई करता है ओवर एल। देखो बेटा फर्क क्या है एफ एक्स और जी एक्स में, ये मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर एफ है और ये मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर एल है। ये अल्फा एफ एक्स को सेटिस्फाई तो करता है, परंतु ओवर एल ये एफ एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है, ओवर एफ मिनिमल पॉलिनोमियल जी एक्स है, ओवर एफ एल ये कोई और पॉलिनोमियल है जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है, कोई और। कोई और का मतलब हो गया कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल इस एफ एक्स को डिवाइड करेगी। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, दिस शोज दैट, हमें बताता है कि एवरी रूट ऑफ जी एक्स, जी एक्स का जो भी रूट है वो एच एक्स एफ एक्स का भी रूट होगा, इज रूट ऑफ एफ एक्स। जो रूट जी एक्स का होगा वही रूट वो रूट एफ एक्स का भी होगा। बट आपने खुद कह रखा है कि एवरी रूट ऑफ एफ एक्स इज इन के, ये बात कहां से आई भाई, एवरी रूट ऑफ एफ एक्स इज इन के, क्यों भाई? देखो एफ एक्स जो है, मैंने कहा ना क्या है, पॉलिनोमियल ओवर एफ है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल, जब अल्फा किस में था, के में, के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। नॉर्मल एक्सटेंशन क्या कहती थी कि यदि एक भी रूट इसके पास है तो एफ एक्स के सारे रूट इसके पास लाई करेंगे, इस एफ एक्स के सारे रूट के पास हैं, तो इसका मतलब जी एक्स के भी सारे रूट के पास हैं, जी एक्स के सारे रूट के पास हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जी एक्स के सारे रूट के पास हैं, इट मीन्स के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एल। अब सेकंड थ्योरम आधी सी हमने पढ़ रखी है, बट फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम टू। लेट के बी ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, अल्फा वन अल्फा टू बी एनी टू एलिमेंट्स इन के, और ये आपस में ये कंजुगेट ओवर एफ हैं, मीनिंग दे सेटिस्फाई द सेम पॉलिनोमियल इन एफ एक्स जिसके कोफिशियंट एफ में हों। दोनों प्रॉपर्टी हैं, देखिएगा कि देयर एग्जिस्ट ए ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू के, एफ ऑटोमॉर्फिज्म, क्या है ये एफ ऑटोमॉर्फिज्म, जो एफ ऑटोमॉर्फिज्म, इसका मतलब ये एफ के एलिमेंट को क्या करेगी जी, फिक्स करेगी और बी इसको कहां भेजेगी, यहां भेजेगी, ये हमें प्रूव करना है। दो बातें जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी उसमें भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ेंगे, के इज नॉर्मल एक्सटेंशन, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन, इसका मतलब है के बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ, यानी कि के एक स्प्लिटिंग फील्ड है नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ की, ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फा वन अल्फा टू कंजुगेट हैं ओवर एफ, यदि ये कंजुगेट ओवर एफ है मतलब एक सेम मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, इनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम रख दिया मैंने सिग्मा। ये आइसोमॉर्फिज्म कहां से कहां तक होगी, एफ अल्फा वन से एफ अल्फा टू, क्या काम करेगी, एफ के एलिमेंट को एफ में भेजेगी और अल्फा वन को अल्फा टू में भेजेगी, ये होगी हमारी ऑटो एफ ऑटोमॉर्फिज्म।
ठीक है। अब कुछ बातों को ध्यान से देखो, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों की डिग्री सेम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी, वो अल्फा वन की मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होगी, जो इसमें भी यही होगा, अल्फा टू की मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होगी। ये दोनों कंजुगेट है तो दोनों की डिग्री, तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेम है, इसलिए उनकी डिग्री भी सेम होगी। किसके इक्वल होगी? डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा वन और अल्फा टू, किसी की भी निकाल लो। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसके सारे कोफिशेंट फील्ड एफ से बिलोंग करते हैं। एफ से बड़ी फील्ड का नाम एफ अल्फा वन है। तो सिमिलरली एफ एक्स से बड़ी फील्ड हम ये भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम, के स्प्लिटिंग फील्ड किसकी थी? के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स जब वो ओवर एफ था। यदि मैं इसको ओवर अल्फा वन कर दूं तो देयरफॉर के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ अल्फा लिख दो या एज वेल एज दोनों के ओवर होगी, ये दोनों के ओवर स्प्लिटिंग फील्ड होगी। ओके, अब जैसे कि हमने कहा था कि स्प्लिटिंग फील्ड दोनों के ओवर हो गई, ओके, तो फाई एक मैपिंग मिलेगी के से के तक, सच दैट वो इसके एलिमेंट्स के बारे में बताएगी, इसके एलिमेंट्स के बारे में, इसका एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इस फील्ड की, इस मैपिंग के अंदर जो यहां से आए, जैसे कि अल्फा है, अल्फा कहां से आया है, वो इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, तो फिर तो ये ले जाएगी, ये मैपिंग होगी जी यहां पे। बाकी मैपिंग आगे क्या करेगी इसके बारे में भी देखते हैं। यदि ये एलिमेंट केवल एफ से होता तो, यदि लैम्डा एफ से होता तो आंसर क्या आता जी? और ये मैपिंग लैम्डा को फिर लैम्डा में भेजती, और यदि ये एलिमेंट अल्फा वन होता तो, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट अल्फा वन भी है, तो जाता जी सिग्मा अल्फा वन, वो किस में जाता जी? अल्फा टू में जाता, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारी यहां पर चीज थी, देखो ये हमने के ऑटोमॉर्फिज्म बता दिया। देखिए इस प्रकार की मैपिंग डिफाइन करने के लिए जो यहां से अपलोड होके आई है, अपलिफ्ट होके आई है, इसके लिए देखो इधर के तो, इधर तो स्प्लिटिंग फील्ड सेम है, इधर डिफरेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट थ्योरम, के से बड़ी फील्ड इवन, इवन से बड़ी फील्ड ई, के से बड़ी फील्ड ई टू, ई टू से बड़ी फील्ड ई, ये एक फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, ये एक फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, दोनों फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है। तो पहला प्रूव करना है इवन ई टू इज द स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ ई, ये स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ ई होगी कंटेनिंग E1 यूनियन E2, जो किसको कंटेन करेगी? E1 यूनियन E2 को कंटेन करेगी, इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ K। फिर सुन लो जी, E1 E2 इज द स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ E,
containing union is a finite extension of time. मकसद ये है कि ये चीज हमारी फाइनाइट होनी चाहिए. पहला मकसद, ठीक है, फर्स्ट एम इज दैट. दूसरा एम ये भी है कि इवन ई टू इज फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई, ये भी हमें प्रूव करना है, जो कि क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है. इवन इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के, तो इवन को लिखा के अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन. तो इवन ई टू क्या आया, के अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ई टू. इसको यहां के ले आओ, अब मैं इसको E2 ही लिखूंगा. क्यों लिखूंगा वो देखिए, K इज सबसेट ऑफ E2. दिस इंप्लाइज दैट K E2 इज इक्वल टू E2. K इस फील्ड को इससे गुणा करने पर E2 ही रहेगा, क्योंकि ये इसकी सब फील्ड है. तो दिस विल बी नाउ कम्स टू E2 अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन. तो इवन E2 की वैल्यू ये होगी. ठीक है बेटा, अगला स्टेप देखिए. इस एक्सटेंशन का जिक्र करते हैं. इसकी वैल्यू क्या होगी, E2 अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, यानी कि इसमें ये एलिमेंट डाले गए, इसमें ये एलिमेंट डाले गए, तो वो बनेंगे जी E2 अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन. E2 अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन माइनस वन, E2 अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन माइनस वन से E2 अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन माइनस टू, E अल्फा वन E2 अल्फा वन से E. अब ध्यान से देखना बेटा, इस चीज पे पहले आ जाओ, पीछे स्टार्ट कर लेते हैं. देखिए E2 से बड़ी फील्ड का नाम है की, नहीं छोटी फील्ड का नाम, सॉरी, के छोटा है E2 बड़ा है. यदि हम देखो, अब हमने इसकी एक्सटेंशन की बात करनी है. यदि के से मैं ये एक्सटेंशन निकालता हूं और E2 से मैं ये एक्सटेंशन निकालता हूं, तो डिग्री वाइज कौन सी बड़ी होगी. ये श्योरिटी है अल्फा वन, ये श्योरिटी है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल अल्फा वन की बनेगी उससे इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल छोटी होगी, क्योंकि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल अल्फा वन वाली इस E2 वाली K वाली को डिवाइड करेगी. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन इनसे छोटी होंगी. इन सारी एक्सटेंशनों को हम लेस देन की फॉर्म में लिखेंगे. इसी प्रकार के अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, के अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन माइनस वन, के अल्फा वन से के, कंबाइन कर दो, के अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन. ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या है, हम ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यू इवन है. तो ये इसकी डिग्री
इसकी डिग्री से लेस होगी, ठीक है ओके। इसकी डिग्री से लेस होगी तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये होगा। अब हम इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, इसकी डिग्री किससे लेस है, ये एक्सटेंशन भी फाइनाइट एक्सटेंशन है, ये भी फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट। तो अल्टीमेटली एक बात तो प्रूव हो गई कि ये एक्सटेंशन एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। अब ये एक नॉर्मल एक्सटेंशन है, इवन इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के, तो इसका मतलब इवन इज मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर के। इसी प्रकार ई टू एक नॉर्मल फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो ई टू इज मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ जी एक्स ओवर के। तो एच एक्स एक नई पॉलिनोमियल बना ली जो एफ एक्स गुणा जी एक्स लिख दिया। इवन जो है वो बनेगी के अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, और ई टू बनेगी के बीटा वन बीटा टू बीटा एस, ठीक है जी। अब इस एच एक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगी, ये बनेगी। अब यदि मैं थोड़ा सा इसमें कर लूं, इसको और इनको इकट्ठा कर लूं, तो हमें इसको लिख सकता हूं E2। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये कुछ और नहीं, दिस इज E1 E2। तो ये जो हम स्प्लिटिंग फील्ड का जिक्र कर रहे थे कि दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एच एक्स, ये वास्तविकता में कुछ और नहीं क्या है, E1 E2 है। तो E1 E2 इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के, यही हमें प्रूव करना था।